जी आ गया। वेक्टर में कितना तामझाम हो गया था, सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया था। मतलब वेक्टर का पूरा कंसेप्ट हो गया था लगभग, मतलब जो उसकी थ्योरेटिकल पार्ट है ना। यस अब हम वेक्टर्स को जोड़ने जा रहे हैं, जरा सावधान होकर जोड़िएगा। अब लिखिए एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो पहले तो दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, फिर दो से अधिक वेक्टर्स को ऐड करेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा, वेक्टर का एडिशन सिंपली अर्थमेटिक रूल या अलजेब्रा के रूल से नहीं होता है, वेक्टर एडिशन ज्योमेट्री मेथड्स होता है। तो लिखिए एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें दो लॉज हैं, लॉज बाद में बताते हैं, पहले हम उसका कॉन्सेप्ट बता देते। तो उधर गर्मी कितनी पड़ रही है, थोड़ा ठीक ठाक पड़ रही है। आपके इलाके में गर्मी कितनी पड़ रही है, बारिश शुरू हो गई? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आज हुई थी थोड़ी सी। यस सर। मतलब थोड़ी होना एक अलग बात, एक बारिश शुरू होना अलग बात। मतलब जरा समझिएगा, दो वेक्टर ऐड किस जाते हैं, लॉज बाद में बताते हैं। देखो क्या, जैसे दो वेक्टर ऐड करना है, एक वेक्टर हमने कहा ये बनाया, ये वेक्टर ए बनाया, ठीक है। आज पेन कुछ धोखा दे रहे हैं। और एक ये हॉरिजॉन्टल है, इसी को लेंथ रही होगी। एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं कि 60 डिग्री के एंगल पे हमने खींचा बी वेक्टर, ये बी वेक्टर। और हमने कहा भैया दोनों वेक्टर्स को वेक्टर मेथड से ऐड कर। देखो तो तरीका क्या होता है, इसको वेक्टर मेथड से हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखिए वेक्टर मेथड से। अगर इसकी लेंथ में 3 सेंटी 3 मान लेता हूँ, इसकी लेंथ में 5 मान लेता हूँ, 5 यूनिट, वो कुछ भी हो सकता है, ये दोनों फोर्स वेक्टर हो सकते हैं, वेलासिटी वेक्टर हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, ठीक है। तरीका देखिए, पहले ए है तो जिस डायरेक्शन में ए है पहले ए को खींच दीजिए, यानी ये 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दी, कोई दिक्कत। अब देखो जहां से ए का टेल खत्म होता है, क्या बोल रहा हूँ, टेल खत्म थोड़ी होता है, जहां से ए का हेड खत्म होता है वहां से बी की टेल जोड़ी जाएगी। ये टेल होता है, ये हेड होता है, ठीक है। अब देखो बी जो है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, तो कैसे जोड़ेंगे, इसकी हेड से इसकी टेल जोड़नी है, और डायरेक्शन क्या लेनी है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री। तो देखिए तरीका समझिएगा, ये हमने थोड़ा आगे बढ़ाया और यहां से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए हमने बी जोड़ दिया, ये एंगल हमने दिया 60 डिग्री, समझ में आई बात। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये बताइए, ये ए है तो 60 डिग्री ऐसे बनाओ ना, ये क्या दिक्कत है, ये भी तो 60 है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, 60 तो यस इसी सर। की है, तो आप ये क्यों बना रहे हो। देखो ध्यान से, एंगल हमेशा पहली बात तो इनिशियल लाइन से मेजर किया जाएगा, यहाँ भी इनिशियल लाइन से मेजर हो रहा है, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाता है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। देखो ध्यान से, अगर मैं इस लाइन से ये एंगल में बना रहा हूं तो क्लॉकवाइज बना रहा हूँ या एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूं, मैं इधर से जा रहा हूं ये एंगल 60 बना रहा हूं, मैं क्लॉकवाइज बना रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूं, ये वाला एंगल क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं, क्लॉकवाइज है चल रहा है भाई, जो फर्स्ट वाला है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है ना, तो ये एंगल निगेटिव होगा, इसलिए ये एंगल हम नहीं बना सकते, तो इसीलिए हमको एंगल ऐसे बनाना पड़ेगा। दोनों जुड़ गए, जोड़ना समझाया कैसे दो वेक्टर जुड़े जाते हैं। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, पहले वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ देंगे ये, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट, समझ में आ गई बात। तो ये है दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका, इसके रूल्स अभी हम लिखवा रहे हैं, पहले ये दोनों को जोड़िए फिर हम रूल्स लिखवाते हैं। नहीं, दो वेक्टर्स को वेक्टर मेथड से कैसे ऐड किया जाता है, दिस इज द मेथड।
हो गया। बहुत ध्यान से करिएगा, देखिए न्यूमेरिकल में दिक्कत करता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में एक आध क्वेश्चन आते हैं, इसमें वेक्टोरली वेक्टर मेथड से उसे ऐड करना पड़ता है, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सही बनना चाहिए। समझ में आ गया? अब जरा मैं इसको लॉस से जोड़ता हूँ, लॉस लिखवा बात करूं, पर समझिएगा जरा सावधान। अगर मैं इसको ये ट्रायंगल मान लूं एबीसी, तो एबी किसी ट्रायंगल की एक साइड है। अगर मैं एबीसी ट्रायंगल मान लूं तो एबी ट्रायंगल की साइड है कि नहीं है? Yes, इस एबी की जो लेंथ है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और yes, इस एबी की जो डायरेक्शन है वो इस वेक्टर का डायरेक्शन है। इस बीसी की जो लेंथ है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इस बीसी की डायरेक्शन जो है वो इस का डायरेक्शन है। इस एसी की जो लेंथ है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। इस एसी की डायरेक्शन जो है वो इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। तीनों बातें समझ में आई? यस सर। अब देखिए ध्यान से, जैसे आप कहीं से कोई वेक्टर जाए, जहां से उसका हेड खत्म हो वहां से टेल स्टार्ट होता है, वो एक ऑर्डर होता है, सेम ऑर्डर में, यहां से गए फिर उधर घूम गए, उधर घूम गए, क्योंकि जहां से टेल हेड से हेड जुड़ जाएगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो जरा इसका लॉ देखिए, लिखिए लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी में लॉ हम बनाने जा रहे हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ वही मैं समझाने जा रहा हूँ ना, इसलिए मैंने पहले बना दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, नंबर वन है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नंबर वन है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये बताइए, ये दोनों, ये जो साइड है इसका जहां से हेड खत्म हुआ वहां से टेल स्टार्ट हुई है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि दोनों साइडें जो हैं वो सेम ऑर्डर में हैं। ऑर्डर सेम कह सकते हैं ना, ऑर्डर मतलब जैसे आपने स्पाइडरमैन देखा होगा ना, वो ऐसे जहां से खत्म होता वहां से दूसरा उसका रोप शुरू हो जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा इफ द टू वेक्टर्स, जरा इसका स्टेटमेंट लिखिए, लॉज में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखिए, इफ टू वेक्टर्स are represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, यहां तक बात को जरा रुकिए, इस बात का मतलब समझिएगा। क्या बोला? If two vectors are represented by the sides, two sides of a triangle in magnitude and direction, मतलब साइड की जो लेंथ है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, साइड की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर का डायरेक्शन है। समझ में बात नहीं आ रही? फिर कहा टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जहां से एक वेक्टर का हेड खत्म हुआ है वहां से दूसरे वेक्टर की टेल स्टार्ट हुई। समझ आ गई? तो लिखिए इन द बाय टू साइड ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the third side of triangle taken in opposite order। समझ में आ गई बात? ये जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से आपका डायग्राम समझ में आया। देखो ये वाली दो साइड देख रहे हैं, जहां से ये हेड खत्म होता है वहां से इसकी टेल स्टार्ट हो रही है,
तो हमने कहा था जहां से एक का हेड खत्म हो वहां से दूसरे की टेल स्टार्ट हो जाए, तो हम कहेंगे सेम ऑर्डर में। हमने कहा अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करें इन टेकिंग इन सेम ऑर्डर, तो थर्ड साइड जो होती है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है लेकिन टेकिंग इन अपोजिट ऑर्डर। देखिए अपोजिट ऑर्डर कैसे है, देखो इसका टेल से हेड जाके टकरा गया तो ऑर्डर अपोजिट हो गया, नहीं हो गया। नियमता जहां से इसका हेड खत्म होना चाहिए वहां से दूसरे किस्से की टेल स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ आ गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, अब 60 एमएम बनाएंगे। देखो एक वेक्टर ए ऐसे बना दो ए, और एक वेक्टर बी ऐसे बना दो, और हॉरिजॉन्टल से कितना बना दो एंगल थीटा, और ये थीटा बना के इसको ऐड कर दो। अब देखो ये कौन से दो वेक्टर ऐड किए जा रहे हैं, ए बी और बी सी ऐड किए जा रहे हैं, और रिजल्टेंट क्या मिल रहा है ए सी, यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, इस प्रकार से रिजल्टेंट मिलता है। इसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ गई होगी बात, नोट करिए फिर दूसरा लॉ बताते। सब तक मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है ना? यस सर। ये हमने वेक्टर मेथड से ऐड करके और उसकी वैल्यू को नाप करके बनाई, बिल्कुल डिटो नापेंगे स्केल्स, इसमें मैथमेटिकल नहीं लगाना है, यहां नाप नाप पे लिखना है। हो गया लॉ ये। अब अगला लिखिए, रब करें। अब अगला लिखिए पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम बनाना कैसे आता है, कैसे लिखेंगे, पूरी स्पेलिंग का है लिखे। पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं ना, तो ये लिख दो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जरा समझे पहले फिर हम स्टेटमेंट लिखाते। ये डायग्राम सबको क्लियर हो रहा है, मैं पैरेललोग्राम ला इसी से पकड़ूंगा उठाऊंगा। डायग्राम बना लिया सबने, वो शांत बैठे सब लोग, नींद आ गई क्या? यस सर। हैं नींद आ गई? बना लिया। अभी हमने कहा नींद आ गई क्या सामने वाले? यस सर। देखो ऐसा होता है इस सब्जेक्ट में नींद आती है, वो तो जगाने के लिए हमको गुदगुदाना पड़ता है, लोगों को थोड़ा सा मस्करी करनी पड़ती है, लेकिन अगर एक घंटे के टाइम में आधा घंटा टीचर मस्करी करता रहेगा तो पढ़ाएगा कब, ठीक है। इसलिए जुकड़ाई थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, ज्यादा क्लाउन टाइप का जो है एक्टिंग नहीं कर सकते। अब जरा समझिएगा, अगर मैं इस जो बी वेक्टर है इसके पैरेलल एक वेक्टर खींच दे, ये बी हो गया, ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। और इसको हम बना दें, ये भी ये वेक्टर ए होगा बी होगा? Yes, sir. और ये रिजल्टेंट तो ऑलरेडी है ही है, तो हमने इसी ट्रायंगल को पैरेललोग्राम के रूप में बना दिया, नहीं बना दिया? अब इसको भूल जाओ, आपने क्या देखा, ये दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, एडजेसेंट साइड फ्रॉम अ वर्टेक्स। तो उसी वर्टेक्स से जो डायगोनल पास हो रहा है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर मैं ट्रायंगल भूल जाऊं, इस वेक्टर को भूल जाऊं, बनाया इसी की हेल्प से हमने है, तो हमने क्या देखा, ये दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो उसी कॉमन वर्टेक्स से जो डायगोनल पास हो रहा है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही कह रहा हूं? तो लिखिए पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट लिखो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point देखो
इस पॉइंट से ये दो एडजेसेंट है, इस पॉइंट से ये दो एडजेसेंट है, इस पॉइंट से ये दो है, इस पॉइंट से ये दो है, तो किसी भी कॉमन पॉइंट से दो हम खींच सकते हैं, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट देन दियर रिजल्टेंट देन दियर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, बाय द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट, दैट पॉइंट बोले तो कॉमन पॉइंट, फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम दैट कॉमन पॉइंट, द सेम कॉमन पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट। हैव यू गॉट द स्टेटमेंट? सर एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर देंगे? लिखिए फिर से, बोल दे पूरा। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two adjacent sides of a parallelogram, by the two adjacent sides of parallelogram drawn from a common point, drawn from a common point, then their resultant is, then their resultant is represented, then their resultant is represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram, by the diagonal of parallelogram drawn from that common point, drawn from that common point। समझ में आ गई बात? देखो जब मैं कहता हूं बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैं क्या कहता हूं कि भैया जो उसकी लेंथ है ना वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और जो उस साइड की डायरेक्शन है वो उस वेक्टर का डायरेक्शन है। क्या कहा गया? इस डायग्राम को बनाना है लेकिन अभी यहां नहीं बनाना है, क्योंकि मैंने ट्राइंगल से रिलेट किया था, इसलिए हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं। देखो ध्यान से, ये ना बनाइएगा डायग्राम, ये दो वेक्टर हैं, इनको पैरेललोग्राम में जोड़ना है। कैसे करेंगे? देखो एक पैरेललोग्राम की एक साइड होगी ए बी, जो रिप्रेजेंट करेगी ए को, है ना, और एक साइड होगी ए सी या ए डी, जो रिप्रेजेंट करेगी बी को। अब बताओ ये दोनों एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की हैं कि नहीं है? अगर हम पैरेललोग्राम में बना भी दे, कंप्लीट भी कर दे, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं कि नहीं है? यस आर नो? इस कॉमन पॉइंट से खींची जा रही, नहीं खींची जा रही है? तो इस कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल खींचा जाएगा, देखिए डायगोनल तो यहां से भी खींच सकते हैं ऐसे, इधर से खींच सकते हैं ऐसे, इधर से खींच सकते हैं ऐसे, उन्होंने कहा नहीं कॉमन पॉइंट जो खींचा जाएगा, तो ये जो डायगोनल होगा ना ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, और ये इनके बीच का एंगल है थीटा। डायग्राम वही बना हुआ है, हमने ट्रायंगल लॉ से पैरेललोग्राम बनाया, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसे नोट करिए। ये दोनों हमने कैसे बनाए? विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, वेक्टर मेथड से हमने बनाए। मतलब आपको नाप नाप करके, एंगल नाप नाप करके मेजर करना पड़ेगा, आप ऐसे हवा में बात नहीं कर सकते। फिजिक्स में कुछ मजा आ रही है? यस सर। अच्छा सही बात, सच में फिजिक्स में तो हैं? सच में सर। आज बात तुम्हारी बहुत धीमे आ रही है। तो पहला चैप्टर तो ठीक था, मतलब यूनिट वाला वो ठीक था। हाँ तो ये गड़बड़ है? नहीं मतलब ये उतना वो नहीं है। मतलब क्या नहीं है बताइए? इंटरेस्टिंग सर। देखो इंटरेस्टिंग तो देखिए दो चीजें हैं, आपको सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा आप पढ़ किस ले रहे हैं, ठीक है? नहीं समझे?
तो इंटरेस्टिंग हम लोग इतनी बना सकते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनिंग टाइप के करके थोड़ा टीचर एक्टिव बना रहे आपके साथ, मतलब एक होता मेरी एक्टिवनेस होनी चाहिए आपके साथ और आपकी एक्टिवनेस मेरे साथ। समझ में आ रही बात जो समझाई जा रही? यस सर समझ में। इंटरेस्ट तो देखो इंटरेस्ट जब घर में पढ़ो समझ में आया क्या बता दिया कर रहे थे मास्टर क्या कर रहा था तो उसको बोरियत क्या ठीक है। तो इसलिए जहां पर दिक्कत हो जरा सा कंफ्यूजन हो फट से कहीं ऐसा क्यों हुआ ये मैं पूरा समझाऊंगा, लेकिन समय आपको घर भी देना पड़ेगा ठीक है, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हाँ भाई अब इंटरमीडिएट की फिजिक्स है इसको पढ़ के लोग आईआईटी बीट करते हैं, आईआईटी बीट करके आप जानते हैं वर्ल्ड की टॉप क्लास एजुकेशन वो होती है और उसको पढ़ के करोड़ों रुपए का पैकेज लेके नौकरी करते हैं, तो भाई सब्जेक्ट तो ठीक ठाक होगा। इसको पढ़ के लोग नीट क्वालिफाई करते हैं और नीट करके बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, ये वो चीज है। तो आप कुछ तो टफनेस आएगी, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? और अगर आप बड़ी बड़ी कोचिंग जैसे सर से आप पढ़ेंगे तो सर तो आईटी लेवल का पढ़ाते हैं ठीक है, हम नीचे से उठाते हैं आपको गोदी लेके चलो इधर चलाओ चलाओ छत पे चलाओ, तो ये थोड़ा सा बेस है, चिंता मत करिए। थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको भी लाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के पर थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा और थोड़ा नाटक वाटक को यूट्यूब से दूर रहना पड़ेगा। आप लिखो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको कल डायग्राम बना के समझा दिया जाएगा कैसे लॉ होगा। सभी मॉइस्चर होता है मौसम में तो इंक छोड़ देता है, इसमें दिक्कत आता है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जरा समझने की कोशिश करिए। पॉलीगॉन नाम से कुछ वाकिफ होंगे आप, कुछ नया नया नाम लग रहा होगा जिसमें बहुत सारे साइड्स हो, यानी आप बहुत सारे वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। देखो मैं इसका तरीका आपको समझाता हूं। जैसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स को एक पॉइंट पे पहले हम दिखाते हैं। जैसे एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है। मैं मान लेता हूं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है, ये सब वेक्टर्स हैं। इनकी कुछ लंबाई होगी, कुछ होगी जो भी मैग्नीट्यूड हो। ये इस दोनों के बीच में एंगल मान लिया 60 डिग्री का है, ये दोनों एंगल मान लिया 45 डिग्री के हैं, ये दोनों मान लिया 30 डिग्री के हैं, ये मान लिया 45 डिग्री के हैं। तो डायग्राम तो समझ में ये वाला आ गया, हमने एक पॉइंट पे सही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। इसको कहा जाता है स्पेस डायग्राम। क्या कहते हैं इसको? स्पेस डायग्राम। ये हर बुक में नाम नहीं मिलेगा, जनरली ये नाम कॉमन नाम नहीं है, लेकिन इसको स्पेस डायग्राम कहते हैं। अब जरा देखिए हम वेक्टर मेथड से इसको ऐड करने जा रहे हैं। वेक्टर मेथड का एडिशन क्या होता है? किसी एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर कैसे ऐड होता है, किसी एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर कैसे ऐड होता है, मालूम है ना? एक वेक्टर को खींचते हैं, उस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जिस डायरेक्शन में वो जोड़ देते हैं, यही तरीका होता है ना? फिर उसके हेड से तीसरे के टेल, हेड से टेल जोड़ते जोड़ते पूरा बना लेते हैं, यही तरीका बताया गया ना अभी। इतने टाइम में सबको नींद आने लगती है क्या? जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए करे तो उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड, जैसे पहले लोग कहानी सुनाते थे ना, एक राजा था उसके तीन राणे थे उसका बड़ा लड़का था तो नहीं वो करते थे, तो दादियां सुनाती थी कहानियां, तो ऐसी कहानी हम सुना रहे हैं। यही वेक्टर को जोड़ने का तरीका भी हमने बताया है। यस सर। अब देखो कैसे खींचेंगे सब, अब जो भी इसकी लेंथ हो, क्योंकि मैंने वैल्यू नहीं लिखी है तो हमको कल मेथड बताना है। तरीका देखिए, सबसे पहले वेक्टर ए खींच दिया, हमने वेक्टर ए खींच दिया जो भी इसकी लंबाई हो, ये हॉरिजॉन्टल खींच दिया। अब ए के हेड से बी का टेल खींचना है, ए और बी के बीच कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो ए के हेड पर 60 डिग्री एंगल बनाइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ध्यान से, ये हमने आगे लाइन खींची और यहां से 60 बनाते हुए बी खींच दिया, जो भी इसकी लेंथ है ये बी वेक्टर हो गया। यहां तक पहुंच गए आप? पहुंच गए ना? अब बी से किसको जोड़ना है? सी को। बी के हेड से सी का टेल, बी और सी के बीच एंगल कितना है देखिए वहां? 45 डिग्री। तो बी को थोड़ा सा आगे खींच दीजिए ऐसे, और यहां से 45 बनाते हुए सी खींच दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, सी जुड़ गया।
सी के हेड से डी का टेल जोड़ना है, सी और डी के बीच एंगल कितना है 30 डिग्री, तो सी को थोड़ा सा आगे खींच दीजिए, वहां से एंटी क्लॉकवाइज ये 30 डिग्री एंगल बना दीजिए, ये डी जुड़ गया, डी के हेड से ई का टेल, डी और ए के बीच एंगल कितना है 45 डिग्री, डी को आगे खींच दीजिए और 45 बनाते हुए ई खींच दीजिए, ये आपका ई हो गया। यहां तक आप पहुंच गए? Yes, sir. सभी वेक्टर ऐड हो गए? No, sir. क्यों, सभी तो ऐड हो गए, ए बे बी से बी से सी सी से ऐड हो गए पूरे। अब आपको इसका रिजल्टेंट चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ आके मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, वेक्टर सब जुड़ गए नहीं जुड़ गए। Yes, sir, sir. अब आपको रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट क्या होता है, पहले का हेड, सॉरी क्या बोला, पहले के टेल को लास्ट वाले के हेड से मिला देते हैं, पहले के टेल को लास्ट वाले के हेड से मिला देते हैं, दिस विल बी रिजल्टेंट आर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये ध्यान रखिए, इसकी लेंथ मेजर की जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, सबको ऐड कर दो ना, जो इसकी लेंथ है। अगर ये गलती से यहां मिल गया अगर वहीं पे, तो रिजल्टेंट जीरो भी हो सकता है, माने ऐसी वैल्यू की है ये हेक्सागन बन जाए, ऐसे गए फिर 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 मिल गए यहाँ, तो रिजल्टेंट जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वेक्टर एडिशन समझ में आ गया कि बहुत सारे वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको, ये है पॉलीगॉन लॉ, ये एक एग्जांपल है। अब तो वैल्यू जो भी दी होंगी उसको आप जोड़ेंगे। स्टेटमेंट जी, स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं स्टेटमेंट, पर डायग्राम बनाना सीखिए, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं। यानी वेक्टर्स आर एडेड इन द फॉर्म ऑफ द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर, बस यही है कुछ उसका स्टेटमेंट। इसके अंदर से मतलब हम एंगल को क्यों नहीं मेजर कर रहे सर, मतलब हमने लेंथ को क्यों मेजर किया, कि लेंथ हम कहीं तक भी खींच सकते हैं उसको। नहीं, दिया होगा ना, ये दिया होगा, ये दिया होगा 5 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन 7 न्यूटन दिया होगा, तो हम एक एजम्पशन कर लेंगे कि भाई 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये मेजरमेंट दिया होगा। इतनी वेलोसिटी है, इतनी इस डायरेक्शन में है, दूसरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो आप उसका वो निकालिए, एडिशन निकालिए, रिजल्टेंट निकालिए, वो दिया होगा उसमें। तो ये आपका ग्राफिक, ये आपका पता एक तरीके से ये सिमेट्रिकल मेथड है। बता दीजिए, बना लीजिए, सब हो गया सभी का, तो मेरा हो गया, सबका क्या पता मुझे। नहीं नहीं, नहीं पूछ रहे, अगर किसी का ना हो तो रोक दे हो रहा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ज्योमेट्री मेथड से आपको कैसे वेक्टर एडिशन करना है। अब लिखिए एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ये रब कर सकता हूं, एनालिटिकल मेथड। ये दूसरा पहला वाला डायग्राम ना इरेज करो सर, दूसरा वाला कर दो, ये कर दे, पॉलीगॉन वाला ना करो सर, दूसरा वाला सर वो कर दो, इसका सिर्फ एंगल्स एंगल्स बन रहे हैं। ये बना लिया आपने, इसी की हेल्प से ये बना हुआ है, ध्यान रखिएगा उसी को देख देख करके कैसे कहां कहां कौन सा है। ठीक है, कर लीजिए फिर, कर डन सर। अब लिखिए एनालिटिकल मेथड, एनालिटिक का मतलब डन सर, एनालिटिक का मतलब क्या होता है, जहां पर एनालिटिकल लिखा ब्रैकेट को मैथमेटिकल, एनालिटिकल मेथड ब्रैकेट को मैथमेटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सावधान, मतलब अभी तक आप वेक्टर को कैसे जोड़ रहे थे, दो वेक्टर्स ऐड कर रहे थे और उसको नाप करके रिजल्ट निकालते, अभी हम नापेंगे नहीं,
ठीक है, नंबर वन लिखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर वही दो लॉज आएंगे, नंबर वन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ, देखो ध्यान से, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल की जो साइड्स की लंबाई होती है वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब हम मैथमेटिकल इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, सावधान। हमने कहा सपोज दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, देखो ट्रायंगल में कैसे बनाते हैं, ये वेक्टर एक बना, ये वेक्टर ए है, थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहे हैं, ये इंक को खाते जा रहे हैं और इंक को निकाल नहीं रहे, और ये वेक्टर दूसरा है बी, और ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, और ये है रिजल्टेंट, ये है आर, ये पी क्यू के, ये ए बी के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बी सी के द्वारा हो रहा है, ये रिजल्टेंट। डायग्राम पकड़ में आया नहीं आया, अभी बता चुके हैं आपको, यानी कि ए बी की लंबाई ए का मैग्नीट्यूड है, बी सी की लंबाई बी का मैग्नीट्यूड है, और ए सी की लंबाई आर का मैग्नीट्यूड। अब आपको डायरेक्शन, अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, लेकिन मैथमेटिकल निकालना है आपको, वेक्टर मेथड से जोड़ करके नाप के लिए निकालना है। ये बताओ अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दूं सी एम, कोई दिक्कत? अब कहीं वेक्टर नहीं लगेगा, अब मैथमेटिकल चल रहा है, यानी एक परपेंडिकुलर मैंने सी एम खींचा है तो कोई दिक्कत हो रही है आपको? आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ए एम सी दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको? हाँ ना, यस सर। इसमें कौन से साइड अगर नहीं मालूम हो जाए तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, हमको बीएम मालूम हो जाए और सीएम मालूम हो जाए तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। अब देखो इन ट्रायंगल, जरा ये बी सी एम देखो, बी सी एम, अगर यहां पर हम कॉस थीटा लगा दें तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हैप्टिनस, यानी बीएम अपॉन बीसी, तो बीएम की वैल्यू, मतलब मैं यहां पर डायरेक्शन तो थीटा दिखाई दिया है, हमें यहां वैल्यू निकालनी है केवल, तो बीएम की वैल्यू क्या निकलेगी, बीसी कॉस थीटा। बीसी की लंबाई कितनी है, बी के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि हमने कहा जो बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड वही बीसी है, तो बीसी को आप बी लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा, तो बीएम की वैल्यू बी कॉस थीटा आ गई। पकड़ में आई बात, एक एक पॉइंट टू पॉइंट पकड़ते जाओ, कोनी पौड़ी पौड़ी चढ़ते जा, जय माता दी कहते जा, यही समझ में आ जाएगा। अच्छा अगर यहीं पर साइन थीटा लगाते तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर सीएम अपान बीसी, सीएम अपान बीसी, यहां से सीएम की वैल्यू क्या निकलेगी, बीसी साइन थीटा, बीसी की लंबाई कितनी है बी, इसको लिखेंगे बी साइन थीटा। अब बताओ ये वाली साइड और ये वाली साइड की लंबाई निकल आई, कोई दिक्कत? अब आपको रिजल्टेंट निकालना है एसी, तो आप ट्रायंगल ले लो ए एम सी, इन ट्रायंगल ए एम सी, पाइथागोरस फॉर्म लगा दो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। जरा ए एम की लंबाई कितनी होता, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए एम? लंबाई कितनी है ए, बी एम निकाल चुके हैं आप, बी कॉस थीटा प्लस, बहुत दिक्कत कर रहा है आज, और ये एमसी की लंबाई कितनी है, बी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर खोल दो तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपको कुछ आइडेंटिटी दिख रही है यहां पर, आपको दिख रहा है कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अगर पास पास लिख दिया जाए और बी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन होता है। yes, ये sir. क्या हो गया, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट का स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर।
तो आर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट। अरे आज शंकु अत्ता गड़बड़ करेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया। क्या हमने कहीं वेक्टर लगाया? नहीं। हमने कहीं कोई चीज मेजर की, नापी? नहीं, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। तो दिस इज द मैथमेटिकल मेथड, जिसको एनालिटिकल मेथड कहा जाता है। बनाइए इसको। बिल्कुल मैथमेटिकल समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? नो सर। बनाइए इसको। बता दीजिएगा। सब हो गया? सभी लोग? हो गया? सर अब करें लास्ट थ्री लाइंस सर। हाँ लिख लीजिए, थोड़ा समझ के लिखिएगा। देखिए, अच्छा ये पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई की है। ये पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस के पहले किस इंडियन मैथमेटिशियन ने प्रूव किया था? हमने सर पूछा भी इसके पहले, पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस के पहले किस इंडियन मैथमेटिशियन ने पहले ही प्रूफ कर दिया था? मेथड अलग था लेकिन प्रूफ कर दिया था, ऐसा होता है। मालूम है सर? रामानुजन। मतलब रामानुजन तुम्हें नाम याद आ रहा जी? नहीं, वाज मिस्टर बौधायन। कौन थे? बौधायन। देखिए रामानुजन क्या हो गया, बौधायन जी को क्रेडिट क्यों नहीं मिलता? उनका मेथड अलग था। देखिए क्रेडिट तो रामानुजन को भी नहीं मिला, ठीक है? क्रेडिट इसलिए नहीं मिलता कि हम जब थ्योरम प्रूफ कराते हैं तो हमारे जो इंडिया में बुक पब्लिश होती है उनको पहले लिखना चाहिए था, बिफोर दैट ही हैज प्रूव्ड दिस। आपने डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है ना? उसके पहले मिस्टर कणाद यहाँ के फिलोसफर थे, यहाँ पर एक संत थे, उन्होंने उस मॉडल को पहले बता दिया था। तो हम ही उसको करते हैं, हम क्या करें? हमारे यहाँ जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है उसको पहले बताना चाहिए कि पौधा ने इसको किया है। हल्का फुल्का दिया है उन्होंने, उनका मेथड अलग था, अलग की बात है, लेकिन दिया था। अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये तो ट्रायंगल लॉ से हमने प्रूफ किया है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यही पूरा प्रूफ करेंगे दोबारा, लेकिन थोड़ा मेथड चेंज हो जाएगा, तो डायग्राम चेंज होगा। लिखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो जब आप एनालिटिकल मेथड से प्रूफ करेंगे और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे तो पहले तो लॉ लिखेंगे जो हम लिखवा चुके हैं,
और फिर ये मैथमेटिकली पूरा प्रूफ कर डाले। अच्छा एक मिनट, रिजल्ट अभी रुक जाइए, कुछ बचा हुआ है, इसमें रिजल्टेंट निकल गया, लेकिन रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी तो होगी, नहीं समझी बात भाई। रिजल्टेंट अगर है, एक एग्जांपल समझिएगा, कहीं पर हीरो को पकड़ने के लिए दो टकैत जाते हैं अपने घोड़े में बैठ के, टक 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 ऐसे पहुंचते हैं, और दूर से ऐसे रस्सी उसके गले में डाल देते हैं, और दो घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे होते हैं, तो हीरो किधर चलता है? जिधर उन दोनों घोड़ों के द्वारा लगाए गए फोर्स का रिजल्टेंट होता है, ये उधर ही चलता है ना, तो उसकी कुछ डायरेक्शन भी तो होगी। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। हमने मान लिया कि जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, दैट रिजल्टेंट इज मेकिंग एंगल अल्फा विद ए। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है टेन अल्फा कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया सीएम और बेस कितना हो गया एम, तो सीएम की वैल्यू क्या निकली है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी हो गया भाई। अगर आपसे कहा जाए फाइंड द रिजल्टेंट, इसका मतलब आपसे रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द होल इंफॉर्मेशन अबाउट रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब लिखिए पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रूफ बिल्कुल डिटो यही होगा, इसलिए हम इस प्रूफ को रब नहीं कर रहे हैं, हम डायग्राम को रब कर, क्योंकि पैरेललोग्राम वाला हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि वो कहता है कि भैया ऐसा है कि दो वेक्टर है वो किसी पैरेललोग्राम की किसी पॉइंट से खींची गई दो एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, तो उसी पॉइंट से जो डायगोनल खींचा जाता है वो उनका रिजल्ट बताता है। ये स्टेटमेंट था, जरा ध्यान से उस स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिए। क्या कहा उसने, उसने कहा इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two adjacent sides of a parallelogram from a point, then the diagonal from the same point will represent their resultant. यही statement था, यही लिखवाएगा ना अभी। अब देखिए उसी को हम बनाने जा रहे हैं, उसी डायग्राम को दोबारा बनाने जा रहे हैं, और ये प्रूफ कर कैसे करके लाएंगे, देखो ध्यान से, ये parallelogram की दो sides हैं, adjacent sides, ये एडजेसेंट साइड्स है, नाम भी हम वही दिए थे ना जो यहाँ पर, अब नाम तो मैं रख कर गया, क्या नाम था ए बी, और ये मैंने इसको डी मान लिया, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बीच एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी डायगोनल। तो हम पैरेललोग्राम कंप्लीट भी किए दे रहे, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, तो ये जो रिजल्टेंट डायगोनल होगा जो यहां से खींचा गया है एसी के द्वारा, तो डायग्राम क्लियर हो गया, इज इट क्लियर? यस सर। अब देखिए हम डिराइव कैसे करें इसको, ये बताओ अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा कि नहीं होगा? यस सर। और अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। और यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये सीएम हो गया, अब बताओ ये डायरेक्शन यही सेम हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। भाई आप इस बी को यहां शिफ्ट कर लाए और यहां से खींच दिया परपेंडिकुलर थीटा को यहां के ले आए, पूरा यही डेरिवेशन हो गया, ये अल्फा हो गया, बिल्कुल डिटो यही आप प्रूफ कर दें, मतलब बनाया पैरेललोग्राम ला, बाद में पैरेललोग्राम को कन्वर्ट कर दिया ट्रायंगल में, और हमने नहीं कन्वर्ट किया, अपने आप कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमको तो ए और बी को जोड़ना था, लेकिन ये ट्रायंगल बन गया और यहाँ से रिजल्ट निकाल, इस डायग्राम को बना लीजिएगा, डेरिवेशन विल बी द सेम, डिटो वही उतार देना। बस डायग्राम को देखिए, जब पैरेललोग्राम ग्राफ लिखेंगे चाहे वो एनालिटिकल मेथड हो चाहे ग्राफिकल मेथड हो, दोनों में स्टेटमेंट लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, और यू हैव टू प्रूव लाइक दैट, मतलब आपने पैरेललोग्राम को कन्वर्ट कर दिया ट्रायंगल में, तो इस प्रकार से किया है। okay,
डायग्राम बन जाए तो बता दे। बन गया। अच्छा जो लोग बना रहे होंगे बहुत जल्दी बोलती हैं, हम तारा बना नहीं है क्या बताएं। ठीक है आप बनाइए, सब लोग बन जाए तब बता। वेक्टर के नेक्स्ट क्लास को कोई भी मिस मत करिएगा, क्योंकि हम आपको वेक्टर्स का प्रोडक्ट, वेक्टर का प्रोडक्ट बताया जाएगा, बड़ा टेक्निकल प्रोडक्ट है, आगे चल के बहुत आगे तक काम देता है, सावधान रहिएगा। अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, तो इनकी जरूरत काफी नहीं हो रहा, चलो इसकी बताया जा रहा है बाद में साफ कर लिया इसमें। जरा देखिए एक्चुअली सब्ट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं, अगर मैं कहूं सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, बोले अच्छा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हम लोग पगला गए जितना पढ़े, जी नहीं, हमने कहा 2 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करो, हमने कहा 2 प्लस माइनस 3 करो, तो हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, एक्चुअली में एक पॉजिटिव एक निगेटिव नंबर को एड किया गया। अब देखो वैक्टर को कैसे सेपरेट किया जाता है, जरा सावधान, ये वैक्टर ए है, हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए एक वेक्टर बी है, और आपको इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी करना है। जरा सावधान, इसको हम ये बताइए ए माइनस बी को ए प्लस माइनस बी अपने मन में लिख सकते हैं, यानी ये जो हमने इसको ए प्लस माइनस बी अपने मन में लिखा जा सकता है, नीचे लिखे जा रहे हैं, यानी इसको a प्लस माइनस भी अपने मन में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Yes, sir. अब जरा समझिएगा, यानी कि a को ऐड करना है माइनस b, और माइनस b का मतलब होता है b का डायरेक्शन चेंज कर देना है। देखो पहले a को खींचो, खींच दिया, बाद में जो b है वो a के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो देखिए a के साथ थीटा एंगल बनाइए और b को ऐसे स्केल रखिए, लेकिन ऐसे न ले जाकर के इसको नीचे को खींचिए, मतलब ले जाना है आपको ऐसे, लेकिन आप ऐसे न जाकर नीचे खींच देंगे, ये माइनस बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। Yes, sir. बस हो गया, ए और माइनस बी ऐड हो गए, और पहले वाले का टेल लास्ट वाले का हेड जुड़ गया, दिस इज द रिजल्टेंट ए माइनस बी। अब आप कहेंगे साहब इसकी लंबाई वही होगी, हाँ लंबाई वही होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो समझ में आ गया कि कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब थोड़ा धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, सिर्फ सावधान होकर पढ़िएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास, गुड नाइट, इसे बना लीजिए, इसे ग्राफिकल डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं, मेथड है तो स्टेटमेंट लिखना, गुड नाइट बोल सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।